Greetings students, how are you all? Hope all are fine at your home. Students, I am Geeta, your class teacher from Murti Global School. आज हम class second का English grammar का chapter 6 करेंगे. Class second का English grammar का chapter 6 करेंगे. Chapter 6 का नाम है word of comparison. Word of comparison. Comparison means किसी word में comparison, तुलना करना कि कौन सी चीज कैसी है. What that tell us about the difference are called word of comparison. जो word दो चीजों के बीच का क्या बताता है difference यानी कि अंतर बताता है. दो चीजों के बीच का क्या बताता है difference यानी कि अंतर बताता है वो आपका क्या है word of comparison. कि कौन सी चीज किसी चीज से कोई चीज बड़ी है तो कोई चीज छोटी है. मेरा भाई इतना लंबा है तो मैं उससे छोटा हूँ. ये पेड़ इतना बड़ा लेकिन ये पेड़ छोटा है. तो इस टाइप का क्या है डिफरेंस. इस टाइप का क्या है डिफरेंस. तो वो है आपका वर्ड कंपैरिजन. देखते हैं अब. एन एलिफेंट इज बिगर देन अ काउ. तो आप पेंसिल निकाल लो और जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको आप अंडरलाइन कर लो. देखो काउ क्या है एलिफेंट से क्या है. एलिफेंट क्या है काउ से बिगर है. बहुत ही बड़ा एलिफेंट और काउ क्या है छोटी है. तो इन दोनों में क्या है डिफरेंस है. डिफरेंस बता रहे ना कि एन एलिफेंट इज बिगर देन अ काउ कि एलिफेंट उससे बड़ा है काउ से. पूजा's हेयर इज shorter देन नेहा's हेयर कि पूजा के जो हेयर हैं वो किससे छोटे हैं नेहा के हेयर से छोटे हैं. तो इनमें आपने दो चीजों का कंपैरिजन दिख रहा है कि बालों का कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि एक के हेयर बिग है और एक के हेयर क्या है स्मॉल है. तो ये आपका वर्ड ऑफ कंपैरिजन. नेक्स्ट द बॉय इज टॉलर देन द गर्ल. जो बॉय है जो लड़का है वो किससे बड़ा है किससे लंबा है लड़की से क्या है वो लंबा है. टोलर देन अ देन द गर्ल. तो इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं बॉय में और गर्ल में. अ कार इज फास्टर देन अ बाइसिकल कि कार किससे फास्टर है सबको पता है बाइसिकल स्लो चलता है लेकिन कार तो बहुत फास्ट चलती है. तो क्या कार और साइकिल्स का क्या बता रहे हैं डिफरेंस बता रहे. इन द अबव सेंटेंस वी मेड द कंपैरिजन बाय एडिंग ई आर टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड कि हमने वो कह रहा है कि वर्ड में जो डिफरेंस है हमने वो कैसे दिखाया है क्या ऐड करके ई आर को ऐड करके फास्टर टोलर बिगर शॉर्टर. तो ये ई आर को हमने क्या करा था ऐड कर दिया. फास्ट में हमने किसको ऐड कर दिया ई आर को. अब नेक्स्ट देखते हैं रीड द सेंटेंस टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन बेटर. अब इनमें हम देखेंगे ये रमन है ये वीर है ये परिधि है. रमन इज शॉर्ट बॉय. रमन कैसा है शॉर्ट बॉय है. रमन इज शॉर्ट बॉय. वीर इज shorter देन रमन. रमन क्या है छोटा है लेकिन वीर इज shorter देन द रमन लेकिन वीर उससे भी छोटा है रमन से भी. तो हमने किसका यूज करा ई आर का. किसका यूज करा ई आर का. परिधि इज द shortest among all. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है. जब हम एक ही चीज के बारे में बात करें चाहे वो कोई व्यक्ति है वस्तु है प्लेस किसी भी चीज का हम चाहे वो एक ही बात कर रहे हैं सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आपको वहां पे सिर्फ सिंपल फॉर्म आएगी. शॉर्ट है तो शॉर्ट ही आएगा. लेकिन जब हम टू चीज में डिफरेंस कर रहे हैं टू चीज में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे क्या लग जाएगा ई आर. क्या लग जाएगा आपका ई आर कि वीर इज शॉर्टर देन रमन लेकिन परिधि इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल. लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों में सिर्फ एक की ही बात कर रहे हैं कि वो सबसे बिग है चाहे वो कोई भी चीज है कि वो जैसे माउंटेन है कि वो सबसे ही बड़ा माउंट एवरेस्ट है वो सभी माउंटेन में सबसे बड़ा है तो आप किसका यूज करोगे ईएस्ट का. किसका यूज करोगे ईएस्ट का. लेकिन हम जब दो की बात कर रहे हैं एक की बात कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में आएगी. लेकिन हम जब टू चीज में डिफरेंस कर रहे हैं चाहे वो पर्सन है या प्लेस है या थिंग्स है लेकिन तब आप किसका यूज करेंगे ईआर का. किसका यूज करोगे आप ई आर का यूज करोगे. तो इसकी ये पहचान है कि आपने टू में कंपैरिजन करा तो आपने यूज करा ई आर. लेकिन जब आप सिर्फ एक का कंपैरिजन कर रहे हो सबके साथ कि वो सबसे ही बड़ी है डिफरेंस है वो चीज तो आप ई एस टी लगा दोगे लास्ट में. क्या लगा दोगे ई एस टी. और आपको एक चीज का और इसकी एक और की है इसकी एक और पहचान है कि ई एस टी का यूज आप तब करते हो जब उससे पहले फिल इन द ब्लैंक से पहले क्या है आगे द. ब्लैंक से पहले आपका क्या आएगा द. जहां पे भी द है तो वहां पे आपका ई एस टी ही लगेगा. और जब दो चीज का डिफरेंस है आपका लगेगा ई आर. व्हेन कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स इज मेड वी यूज ई आर. देखो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जब हम दो चीज के बीच में डिफरेंस दिखा रहे हैं तो आपको लगेगा ई आर. लेकिन
When compares between three or more than three people or things is made, we use. लेकिन हम जब दो से ज्यादा और तीन से भी ज्यादा या all के साथ difference कर रहे हैं तो हम लगाएंगे est. हम किसका use करेंगे? est का. ये आपकी key है, आपको इनको बहुत ध्यान से देखना और समझना है. Here are some e or est word to learn hurt. यहाँ पे कुछ e और est के क्या है word है, आपको इनको learn करना है. Big का क्या हो जाएगा? Bigger, biggest. Tall, taller, tallest. Simple, simpler, simplest. Pretty, prettier, prettiest. ठीक है, y को हटा के आपने क्या लगा दिया? ier. y की जगह आपने i का यूज करना है. Heavy, heavier, heaviest. Long, longer, longest. Fast, faster, fastest. High, higher, highest. Light, lighter, lightest. Funny, फिर से y आ गया, हमने y को रिमूव करके ier को हमने क्या कर दिया? Add. Funnier, funniest. Easy, फिर से y को रिमूव करके आई आर. Easier, easiest. Colder, cold, colder, coldest. Lovely, फिर से y को रिमूव करेंगे हम आई ई आर को एड कर देंगे. Lovelier, loveliest. Warm, warmer, warmest. तो स्टूडेंट्स आपके ये थे ई आर और ई एस टी वर्ड थे ये. अब यहाँ पे कुछ हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज. रीड दी सेंटेंस एंड टिक द सुटेबल वर्ड दैट आर गिवन इन द ब्रैकेट्स. राजू इज, एक आपका है शॉर्टर, एक है टोलर देन समीर. देखो ये राजू है वो इससे शॉर्टर है ना समीर से, तो राजू इज शॉर्टर देन समीर. राजू इज शॉर्टर देन समीर. नूतन इज, अब देखो दो का डिफरेंस है. प्रीटी तो आप नहीं लिखाओगे तो फर्स्ट फॉर्म है ये, तो सेकंड को हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीटियर देन हर सिस्टर. एन एलिफेंट इज, लाइटर तो नहीं आएगा, हैवियर देन अ लॉयन. लॉयन से तो बहुत हैवी होता है ना एलिफेंट, तो हैवियर देन अ लॉयन. अ माउंटेन इज हाइयर देन अ हिल, जो एक हिल होती है उससे बहुत ही ऊंचा होता है. हाइयर आएगा, लोअर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइयर. अ स्नेक इज लॉन्गर देन अ कैटरपिलर. देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही, कैटरपिलर तो बहुत स्मॉल होता है लेकिन स्नेक तो लंबा होता है ना, टोलर होता है, लॉन्गर होता है. तो अ स्नेक इज लॉन्गर देन अ कैटरपिलर. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके ई आर वाले ही वर्ड थे जिनको आपने फिल करना था. टू चीज का यहाँ पे कंपैरिजन था, चाहे वो थिंग्स थी, चाहे वो एनिमल थे, बर्ड थे या पर्सन थे, तो आपने ईआर का यहाँ पे यूज करके इनको टिक द करेक्ट करना था. अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपके ईएसटी वाले, आपके मेगा इज शॉर्टेस्ट गर्ल इन अवर क्लास. देखो पूरी क्लास की बात कर रहे हैं ना वो, एक से ज्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं, तो मेगा सबसे छोटी है पूरी क्लास में, तो आपने किसका यूज करा? ईएसटी का. रीना इज डैश अमोंग ऑल हर फ्रेंड. यहाँ पे क्या आगे? सभी फ्रेंड आगे, तो आपका टोल का क्या हो जाएगा? टोलेस्ट. टोल का टोलेस्ट. और मैंने बताया था जब भी आप ईएसटी का यूज करते हो ब्लैंक से पहले किसका यूज करते हैं हम? दा होता है, ब्लैंक से पहले दा होता है, ये भी आपकी एक पहचान है. एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड. एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ईएसटी हमने लगा दिया. पैथन इज द डैश स्नेक आई हैव एवर सीन, तो लॉन्गेस्ट, तो क्या आ जाएगा आपका? लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गेस्ट. जिमी हैज डैश कार फास्ट, तो फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट. ईएसटी हम लगा देंगे. मिस्टर शान इज डैश टीचर ऑफ आवर क्लास स्मार्टेस्ट, क्या हो जाएगा? स्मार्टेस्ट. ईएसटी का हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज. अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. अब यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया जिसकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना. आई लाइक द पोएम जतिन रीड बिकॉज इट इज शी द इट्स द फनीएस्ट. हमने क्या यूज करा? फनीएस्ट, कि बहुत ही फनी थी. द टेस्ट वॉज डैश देन द वन वी हैड लास्ट वीक. वो कर हमने जो लास्ट वीक टेस्ट दिया था उससे टेस्ट क्या था? इजियर ही आएगा ना, बहुत ही ईजी था, ईजियर था. देखो अब यहाँ पे दा का यूज हो गया तो यहाँ पे लास्ट में ई एस टी वाला ही आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो आपको ध्यान से करना है. आई एम द डैश पर्सन इन माई जैम सॉरी जैम क्लास, कि मेरी जो मैं क्लास में जाता हूँ जिम क्लास में जाता हूँ सबसे, वहां पे मैं क्या हूँ? वीकेस्ट पर्सन हूँ, सबसे कमजोर पर्सन हूँ. मैं अपनी जब जैम की क्लास में जाता हूँ तो सबसे मैं क्या हूँ वहां पे? वीकेस्ट पर्सन हूँ. माई ब्लैंकेट्स इज डैश देन ज्योतिष ब्लैंकेट, कि मेरा ब्लैंकेट है, जो डिफरेंस बता रहा ना दो चीज का डिफरेंस है, तो क्या आएगा? ER वाला ही आएगा, EST वाला नहीं आएगा. तो मेरा ब्लैंकेट कैसा है? सॉफ्टर है ज्योति के ब्लैंकेट से.
who has the dashed grades in your class? कि पूरी क्लास में, पूरी क्लास की एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हाईएस्ट ग्रेड आई है कि किसकी हाईएस्ट ग्रेड आई है पूरी क्लास में, तो हम किसका यूज करेंगे, ईएसटी का, और इसके आगे क्या है, दा का यूज है, तो दा का तो वैसे भी ईएसटी आएगा. दैट वॉज द डैश स्टोरी आई हैव एवर रीड. सैडेस्ट, कि ये स्टोरी बहुत ही दुखी थी, सैड थी इसकी, मैंने इसको जब रीड करा, इसको मैं कभी रीड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही दुखी स्टोरी थी, सैडेस्ट. तो दा का यूज था, तो हमने किसका यूज करा, ईएसटी का. कालकी स्टोरी वॉज डैश देन आनंद स्टोरी. अब दो के बीच का डिफरेंस हो रहा है, तो आप किसका यूज करोगे, ईआर का, कि कालकी की स्टोरी आनंद की स्टोरी से क्या थी, लॉन्गर थी. इज योर रूम डैश देन माइन, कि तुम्हारा रूम, इफ दो का डिफरेंस हो रहा है कि मेरे रूम से कैसा है, कोल्डर है, मेरे रूम से कैसा है, कोल्डर है. आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, जब आपकी दो चीज में डिफरेंस बताना है, जैसे वो थिंग्स है, प्लेस है, पर्सन है, तो आप किसका यूज करोगे, ईआर का करोगे. लेकिन जब आपको किसी एक की बात करें, तो आप सिंपल फॉर्म का यूज करोगे. लेकिन जब आप एक से ज्यादा, तीन या चार बंदों की बात करें, पर्सन की या प्लेस की, तो आप ईएसटी लगा दोगे. क्या लगा दोगे आप, ईएसटी वहां पे लगा दोगे. अभी आपके नॉलेज के लिए, रीड करने के लिए है, गुड का बेटर, बेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, बिजी, वाई को रिमूव कर देंगे, यार जगह बिजियर, बिजिएस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, फेयर, फेरियर, फेरियस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट. अब है आपके ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वाइज, वाइजियर, वाइजेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट. तो ये आपकी थी, क्या थी, ये कुछ डिग्रीज थी यहाँ पे जिनको हमने लर्न करा. तो स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक था वर्ड ऑफ कंपैरिजन. क्या था आपका, वर्ड ऑफ कंपैरिजन, यानी कि टू चीजों में कंपैरिजन करना, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, दो चीजों में कंपैरिजन के लिए आप कौन से वर्ड का यूज करोगे. आप ईआर लगाओगे और ईएसटी लगाओगे. बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, आसान तरीका है, इजी तरीका है. आपको बस ये देखना है कि टू थिंग्स में, टू पीपल में या पर्सन में अगर आपको डिफरेंस बताना है, तो आप किसका यूज करोगे, ईआर का. लेकिन आपको वन देन मोर, एक से ज्यादा, बहुत सारे पर्सन, टू या थ्री का आपको अगर डिफरेंस बताना, तो आप ईएसटी का यूज करोगे. उसके आगे हमेशा क्या, ब्लैंक से पहले हमेशा आपको मिलेगा दा. इसकी ये एक पहचान है कि ब्लैंक से पहले हमेशा आपको दा ही मिलेगा, और वहां पे आपको ईएसटी का ही यूज करना है. किसका यूज करना है, ईएसटी का. होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, बहुत ही इजी था. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.